नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेते शुरू कर दिया है। पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव रहे मनीष रस्तोगी को हटाया गया था और अब सीएम कार्यालय में उप सचिव के रूप में पदस्थ नीरज वरिष्ठ को भी हटाया दिया गया है। वह 2013 बैच के आईएएस अफसर थे और उनको अब मध्य प्रदेश शासन में उप सचिव बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्र गुप्ता को लेकर सीएम मोहन यादव कई मामलों को लेकर नाखुश थे, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने मुकेश चंद्र गुप्ता को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हटाकर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में प्रमुख सचिव बना दिया है। आपको बताते चले कि जिन अधिकारियों को सीएम मोहन यादव ने सीएमओ से लेकर दूसरे विभागों से हटाया है, ये सभी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी बताए जाते हैं। आपको बताते चले कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव रहे मनीष रस्तोगी उनके सबसे खासम खास अफसर थे। उनके उप सचिव नीरज वरिष्ठ पर भी शिवराज सिंह चौहान का बेहद भरोसा हुआ करता था। अब अचानक से मुख्यमंत्री कार्यालय से पूर्व सीएम के करीबी अफसरों को हटा देने से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नए सीएम मोहन यादव पुराने सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे अफसरों को एक एक कर हटाना शुरू कर दिया है और उनकी जगह पर उनके विश्वासपात्र अफसरों को लाना शुरू कर दिया है।